नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 1988 के रोडरेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू अब सलाखों के पीछे हैं। अब उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने तमाम दलीलें दी हैं। उन्होंने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू निर्दोष हैं और इस तरीके से उन्होंने और उनके परिवार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि बेगुनाह को सजा मिली है, नवजोत सिंह सिद्धू ने कोई मारपीट नहीं की। उन्हें दरअसल जिस तरीके से एक साल की सजा सुनाई गई है और उसके बाद पटियाला सेंट्रल जेल में नवजोत सिंह सिद्धू बंद हैं, एक साल की सजा उन्हें पूरे रोडरेज मामले में सुनाई गई है। नवजोत कौर सिद्धू, जो कि नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी हैं, उन्होंने अब मीडिया में ये बयान जारी किया है, लेकिन इस बयान के साथ ही वो मुश्किलों में भी फंस चुकी हैं। जिस तरीके से उनका ये बयान सामने आया वो तो ठीक है, लेकिन जो बैकग्राउंड में तस्वीर लगी है वो तस्वीर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगी है, तो ऐसे में लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें, तमाम अलग अलग सोशल मीडिया यूजर्स के ट्वीट सामने आ रहे हैं, जिसमें वो नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू पर निशाना साध रहे हैं। लोगों का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू के जेल जाने के बाद नवजोत कौर सिद्धू का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेताओं को खरी खोटी सुनाई है। तो वहीं इससे भी ज्यादा चर्चा का विषय अब ये बना हुआ है कि जहां नवजोत कौर सिद्धू ये तमाम बातें बोल रही हैं, जहां ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, उनके पीछे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है और साथ ही एक और अन्य तस्वीर उस दीवार पर टंगी हुई है। तो ऐसे में अब लोग ये लगातार कह रहे हैं कि क्या अब नवजोत कौर सिद्धू जो है वो प्रधानमंत्री का गुणगान करना चाहती है, क्या वो अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ये कहना चाहती हैं कि सरकार उन्हें बचाए या सरकार कोई रास्ता निकाले। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं हैं जो लगातार सामने आ रही है। सोशल मीडिया यूजर्स लगातार नवजोत कौर सिद्धू की ना सिर्फ इस बयान को ट्वीट कर रहे हैं, बल्कि साफ तौर पर ये सवाल उठा रहे हैं कि नवजोत कौर सिद्धू के पीछे आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की के तस्वीर क्या कर रही है। ये सवाल लगातार उन पर उठाया जा रहा है। तो फिलहाल कहीं ना कहीं इस बयान के साथ ही वो चर्चा का विषय की तस्वीर बनी हुई है। हमने देखा है कि किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू पहले बीजेपी में शामिल थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया और तमाम बड़े और गंभीर आरोप उन्होंने बीजेपी पर और तमाम नेताओं पर लगाए। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या तमाम बीजेपी के दूसरे अन्य नेता हों, उन पर तमाम गंभीर आरोप लगातार नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से लगाए गए हैं। लेकिन अब 1988 के इस रोडरेज केस में नवजोत सिंह सिद्धू को अब पटियाला कोर्ट की तरफ से ये सजा सुनाई गई है, एक साल की ये सजा है। एक साल तक नवजोत सिंह सिद्धू जेल में ही रहेंगे। और अब आपको बता दें, इस पूरे मामले में जहां हाईकोर्ट से नवजोत सिंह सिद्धू को जमानत मिल चुकी थी, लेकिन ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को इस पूरे रोडरेज मामले में एक साल की सजा सुनाई, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू को कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा और अब एक साल तक वो जेल में रहेंगे। जाहिर तौर पर उनके परिवार की ओर से ये पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां उनकी पत्नी जो कि लीडर भी हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, और वो इस तरीके से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाकर इस तरीके का बयान देती हैं, तो लोग लगातार इस पर सवाल पूछ रहे हैं। और जो तमाम बातें नवजोत कौर सिद्धू की ओर से कही गई है, उन्होंने ये कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू बेगुनाह है और उनका ये भी कहना है कि वो साथ ही बीमार भी हैं, तो ऐसे में वो जेल में उनके लिए तमाम चीजों का प्रबंध करना मुश्किल होगा। तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू यानी अपने पति की बीमारी का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक पेशेंट है और वो इस तरीके से घर में लगे पेड़ों के हर्बल पत्ते खा रहे हैं, वो गेहूं नहीं खाते हैं, वो तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में उनका इलाज चल रहा है और वहाँ दिन में 2 से 3 बार वो डॉक्टर से बातचीत करते हैं और उसके बाद वो डाइट फॉलो करते हैं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। नवजोत कौर सिद्धू ने अपने पति का बचाव करते हुए ये भी कहा है कि वो लोगों को सेहत और शिक्षा जैसी सुविधाएं देने की बात करते थे, जिसके आधार पर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली।
मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा एक मंत्री को पद से निष्कासित करने पर नवजोत कौर ने कहा कि इसके लिए आप सरकार बधाई की बात है, लेकिन ये होना ही था क्योंकि 60% लोग उनकी पार्टी में बचने के लिए शिफ्ट हुए थे। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4 साल पहले क्यों नहीं बताया कि उनके मंत्री भ्रष्ट हैं। उन्होंने अपना पूरा जोर नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ लगा दिया, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संगरूर लोकसभा चुनाव में किसी ईमानदार व्यक्ति को जिताकर लोकसभा भेजा जाए जो लोगों की बात कर सके, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई है। तो कुल मिलाकर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और उनके जेल जाने के बाद उनके परिवार की ओर से पहला बयान सामने आया है। नवजोत सिंह सिद्धू निर्दोष हैं, उन्होंने किसी को भी हाथ नहीं लगाया है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। नवजोत सिंह सिद्धू की गिरफ्तारी को लेकर ये उनका बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें सिद्धू की पत्नी ने दावा किया है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं और नवजोत सिंह सिद्धू निर्दोष हैं। उन्होंने जो मृतक है उसको हाथ तक भी नहीं लगाया है, अमेरिका से उनका इलाज चल रहा है, तमाम डाइट जो है वो फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे में इस तरीके से उन्हें जेल में बंद रखना ठीक नहीं है, ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, चूँकि जिस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को राहत मिली थी, जिस तरीके से उन्हें जमानत मिल चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से 1988 का ये पूरा मामला जो नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बना और इस तरीके से इतने सालों के बाद कोर्ट में उन्हें सेंटर करना पड़ा और अब वो 1 साल तक जेल में रहेंगे। आपको ये बता दें कि पटियाला सेंट्रल जेल में नवजोत सिंह सिद्धू बंद हैं और वहाँ उन्हें मुंशी का काम सौंपा गया है। स्वास्थ्य खराब होने के चलते उन्होंने जो कठोर काम है उससे परहेज किया और वो इसलिए जेल में अब क्लर्क के तौर पर काम करेंगे। शुरुआत के 3 महीने नवजोत सिंह सिद्धू को कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बाद उन्हें 30 से 90 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनके खाते में दिए जाएंगे। ये इस पूरे मामले पर जानकारी सामने आई है। तो नियम के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को पहले 90 दिनों तक भुगतान नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो अब नवजोत सिंह सिद्धू जेल में मुंशी का काम करेंगे। हमने देखा कि किस तरीके से पंजाब में कहीं ना कहीं बीते कुछ दिनों में सियासत बेहद गर्माई है और उसकी बड़ी वजह नवजोत सिंह सिद्धू रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और चुनावों के वक्त पंजाब में वो पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन उसके बाद हार जब कांग्रेस पार्टी की पंजाब में हुई तो उनका इस्तीफा ले लिया गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी में वो अभी भी बने हुए हैं और इस तरीके से अब वो 1 साल तक जेल में रहने पर इस पूरे मामले में मजबूर होंगे। तो मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और शायद यही वजह है कि इस तरीके का बयान लगातार अब उनके परिवार की ओर से सामने आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर नवजोत कौर सिद्धू का ये बयान, लेकिन इस बयान से ज्यादा जो सुर्खियों में है वो है तस्वीर जो उस नवजोत कौर सिद्धू के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर टंगी हुई है कि आखिर इसके क्या फायदे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के सामने नवजोत कौर सिद्धू ने ये बयानबाजी क्यों की है, सवाल ये भी लोग लगातार पूछ रहे हैं। क्या किसी भी तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू को बचाया जा सके, इस तरीके का कोई हथकंडा है? ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं नवजोत कौर सिद्धू से पूछे जा रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिस पर लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, लगातार अलग अलग तरीके से सवाल किए जा रहे हैं, जवाब नवजोत कौर सिद्धू से मांगा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल ये नवजोत कौर सिद्धू का सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद पहला बड़ा बयान, जिसपे उन्होंने अपने पति नवजोत सिंह सिद्धू को निर्दोष करार दिया है और कहा है कि उन्होंने उस शख्स को हाथ नहीं लगाया। आपको ये बता दें कि 1988 का ये रोड रेज का मामला है, जिसमें आरोप ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने एक ड्राइवर को मुक्का मारा था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी और गैर इरादतन हत्या का केस नवजोत सिंह सिद्धू पर दर्ज किया गया था, जहां उसे निचली अदालत से बरी कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब पूरा मामला हाईकोर्ट पर पहुंचा तो वहां सिद्धू को सजा का ऐलान हुआ, लेकिन जमानत मिल गई और उसके बाद एक बार फिर अब सुप्रीम कोर्ट जब ये पूरा मामला
पहुंचा तो नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और इस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू को ये सजा का ऐलान हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।